आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाओल जाए वाला कोजागरात के मैथिली आ मिथिला में कोजागरा समेत कहल जाते है। जनकपुर धाम स्थित श्री जानकी मंदिर में विशेष भार सब लाइव का विशेष पूजा पाठ के साथ कोजागरात पूर्णिमा मनाओल जाते है। सीता जी के अपन बेटी के रूप में मानित महतरी के रतौली गाविस में विगत 118 वर्ष से निरंतर स्वर्गीय महेंद्र ठाकुर के परिवारजन सब जानकी मंदिर में विशेष भार पठेबा के इतिहास है। यह प्रचलन के ठाकुर परिवार के तेसर पुस्ता के परनाती लोकन नवीन ठाकुर सहित सब एखनो जीवंत रखत अब वर्ष समेत जानकी मंदिर में विशेष भार पठौने है। और अपने सब के भार लाभ में अभी के समय में कठिनाई है सनातन धर्म आज के युवा पुस्ता के जागरूकता नहीं है विदेश नीति के हिसाब से। आजकल सब अंग्रेजी चैनल देखल तै के हिसाब से दिलक और हमारा सब यहाँ एक जागरूकता प्रचार कराबल में हम सब कहीं ना कहीं सरकार हो या साधु समाज हो पीछा पड़ल छी। और हम सब आई 118 बरस से अपना आई पूर्वज के संस्कृति के जग एक का नाम है को जागरण के जागत मैथ के और संस्कृत के फॉर्मूला है को के जागत आई रात में जो शालिग्राम के श्वेत वस्त्र में माने ओस में हुनकर जब सेवा पूजा हो तो खीर बनी है तो वो जब भोग लागल तो वह अमृत हो अपने के एक जो पूर जागत के जागत तेरे के नाम है को जागरण पूर्णिमा। आज के दिन महतरी के रतौली से शताब्दियों से बेसी पहले परंपरा अनुसार विशेष भार जानकी मंदिर में पठाब के परंपरा के शुरुआत भेल छल। महतरी रतौली के जमींदार स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद ठाकुर सयो वर्ष से पहले जानकी मंदिर में भार पठेबाक परंपरा के शुरुआत केने छलन। तत्कालीन जमींदार ठाकुर पुत्र प्राप्ति के कामना केने आ पुत्र लाभ भेला के बाद प्रत्येक वर्ष कोजागरात पूर्णिमा के दिन जानकी मंदिर में दही चूरा पान मखान सहितक भार पठेबाक मान्यता केने आ ओहि अनुसार पुत्र प्राप्ति भेला से भार पठाब के शुरुआत केने छल। तेकरा बाद हुनक लड़का नाती पोता होइत पर नाती सब समेत एखन ओहि परंपरा के बचबैत भार लग प्रत्येक वर्ष अबै छथि। विधि अनुसार 108 टा भार लेबाक परंपरा अछि। ठाकुर के घर से आयल भार के दही चूरा पान मखान जानकी मंदिर राम मंदिर लक्ष्मण मंदिर में समेत जा रहल जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव बतबै छथि। नया दुल्हा दुल्हन ना चाहिए नया दुल्हा दुल्हन के सासू से पान मखान सबके भार अबै छै। आज के दिन में दुल्हा दुल्हन मिलकर चौपर खेलाइ छै और ये परंपरा जानकी मंदिर में बहुत दिन से चल रहा है। रतौली गाम से भार अबै छथिन और अठम जे साँझ में भगवान के बाहर निकाल कर ओहिठाम चुमाओल जाए छन। चुमाओन कला के बाद में गाना बजाना भेल मौद मखान पान प्रसादी सब वितरण कल जाए छै। आई के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन छै। साथे कोजागरात पूर्णिमा के दिन मिथिलांचल में सब केओ अपन अपन घर में समेत पान आ मखान खेबाक प्रचलन अछि। अइ के लेल बाजार में आजका दिन पान आ मखान किने वाला सब के समेत भीड़ भाड़ लगैत अछि। तऽ मखान आ पान बेचे वाला व्यापारी सब समेत आजका दिन नीक व्यापार करै छथि। गाँव में भार बोकय वाला लोकनि बांस के डलिया चंगेरा में भार अर्थात उपहार लग मंदिर में पहुँचाबै छथि। कोजागरात पूर्णिमा के राति भगवान राम आ सीता के प्रतिमा के जानकी मंदिर बाहर निकाल कर गीत संगीत के साथे पान मखान आ बतासा के वर्षा करबाक प्रचलन रहल। जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव जनतब दिलन। कोजागरा पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के एक आई से प्रारंभ भेले और अही दिन जे छे भगवान राम सीता के रास में जे छे से शरद के जे एक रास के जे आनंद छे तै हर्षक लेल जे छे से वही समय के लीला के हम सब दर्शबैत अखनो निरंतरता दैत ए परंपरा के निर्वाह करै छी। जे आइ के दिन में जे छे से किशोरी जी और दुल्हा राम दुनू जे छे से श्वेत वस्त्र धारण कर आइ शीत में जे छे से बाहर निकलथिन और वही ठाम जे छे उनका पान मखान दही सब जे छे से आइ उनका स्वागत और पकवान के भोग लगा कर पूजा आरती है और हास्य व्यंग परिहास के जे छे से गीत गान होइ छे आ एक प्रेम रस के जे छे से एक मनोहरमय एक दृश्य जे छे से उद्गम होइ छे जैसे एक भक्त जन में जे छे जनमानस में एक प्रेम बंधन अटूट
सम्बन्ध के एकटा सेहो दर्शन करबै छै। हिंदू संस्कृति में 12 महीना के 12 टा पावन के अपने अपने महत्व अछि। तिला संक्रांति के दिन घीव खिचड़ी खेबाक, भादो में होबे वाला चौरचन में दही पूरी खेबाक, दीपावली में घर अंगना सफा करबाक जेहने एहि पावन में दही पान आ मखान के समेत विशेष महत्व रहैत अछि। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण एहि दिन रास लीला केने आ एहि दिन में चंद्रमा चकोर में अमृत वर्षा होयबाक भेला सँ मिथिलावासी लोकनि अजुका राति खीर बनाकर अपन छत में राखि कऽ प्रात भेने प्रसाद के रूप में ग्रहण करै छथि। तहिना कऽ मिथिला क्षेत्र में नवविवाहिता दुल्हा के घर में कोजागरात पूर्णिमाक दिन दुल्हिन के घर सँ उपहार पठेबाक प्रचलन अछि। एहि अवसर में नवविवाहिता दुल्हिन के घर सँ पान मखान काजू बतासा मिश्री लगाइत के परिकार उपहार स्वरूप दुल्हा के घर में पठाओल जाइत अछि। दुल्हिन के घर से आयल पान तथा मखान दुल्हा के घर में चुमाउन अर्थात विशेष पूजा पाठ कयल जाइत अछि। खास कर उसका दिन ब्राह्मण आ कायस्थ जाति में नवविवाहित दुल्हिन पक्ष सँ दुल्हा के घर में पान मखान चूरा दही फल फूल आ मिठाई सहितक पकवान सब पठेबाक परंपरा अछि। कोजागरात पूर्णिमाक दिन मिथिलांचल में समेत राति भरि जागराम बैसबाक प्रचलन अछि। कोजागरात के अर्थ राति भरि जगनाई समेत होइत अछि। कोजागरात पूर्णिमा के राति धन के देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी में घुमाइबाक आ जेकर घर के केवार खुला रहत वही घर में बास बैसबाक धार्मिक मान्यता समेत अछि। साथे उजका दिन मिथिलांचल में सबके पान आ मखान अनिवार्य रूप से खाय छथि, ई एकटा परंपरा अछि। एहिके लेल बाजार में उजका दिन पान आ मखान के नीक बिक्री समेत होइत अछि आ व्यापार समेत। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरू भेल दुर्गा पक्ष अर्थात दशई पावन आई कोजागरात पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी के पूजा आराधना कऽ राति में जाग कऽ बैसला के बाद समापन होइत अछि से मान्यता अछि। लक्ष्मी पूजा के 15 दिन आगू महालक्ष्मी के आराधना कयल गेल भेला सँ एहि पावन के विशेष महत्व अछि। एहि पूर्णिमा के कौमुदी समेत कहल जाइत अछि। महालक्ष्मी संगे आई हाथी में सवार इंद्रदेव के समेत पूजा होइत अछि। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा धरि कार्तिक स्नान कऽ घर घर में विशेष रूप में कयल जाय वाला तुलसी पूजा समेत आइए से शुरू होइत अछि। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक स्नान कऽ कऽ महापातक से समेत मुक्त होइत अछि से धार्मिक विश्वास अछि। कार्तिक स्नान केनिहार सब आइ सँ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा धरि दू दल भेल मांस मुगी मौसरी चना भटमास आदि अन्न खाइ नै होबाक शास्त्रीय मान्यता समेत रहल बताओल जाइत अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संदेशा के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम।